हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चका चक। दोस्तों, बिहार में टीचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, शायद ये पहली बार जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार में टीचर्स की भर्ती होने जा रही है, और ख़ास बात यह है कि इसमें प्राइमरी लेवल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए टीचर्स की भर्ती होगी। तो दोस्तों, जो लोग बिहार में टीचर बनना चाहते हैं और लंबे वक्त से इस भर्ती की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, वो तैयार हो जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए टीचर्स बनने का सबसे अच्छा मौका है। तो चलिए, समय न गंवाते हुए भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो नोटिफिकेशन में काफी कुछ डिटेल में बताया गया है, लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन की वो बातें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, जिसमें फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, फॉर्म भरने की फ़ी कितनी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना रह सकता है, रिजल्ट कब आएगा और लास्ट में सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बड़ी इसलिए क्योंकि जितनी संख्या में ये भर्ती होगी वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट 1,70,461 टीचर की भर्ती करने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले शायद ही कभी इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स की भर्ती हुई होगी। दोस्तों, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, तो आप अभी से अपने तमाम पेपर्स तैयार कर लें ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटे। इसके बाद जानते हैं फॉर्म भरने की फी कितनी होगी। दोस्तों, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फी भी तय की गई है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपये फी भरनी होगी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तब भी आपको 750 रुपये फी भरना होगा, जबकि अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपये फी लगेगी, जबकि सभी वर्ग के फीमेल कैंडिडेट्स को 200 रुपये फॉर्म भरने की फी लगेगी। इसके बाद जानते हैं एग्जाम कब होगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है एग्जाम का, कि एग्जाम कब लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसका एग्जाम अगस्त के महीने में होने वाला है, जिसकी तारीख भी नोटिफिकेशन में बताई गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार 19, 20, 26 और 27 अगस्त को एग्जाम होगा। दोस्तों, आपके पास एग्जाम के लिए 2 महीने का वक्त बचा है, तो इन 2 महीने में आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें ताकि एग्जाम के वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीचर्स भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें 2 अलग अलग स्कूलों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसे क्लास 1 से 5 तक के अलग भर्ती होगी, जबकि क्लास 9 से 10 के लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। चलिए, अब क्लास 1 से 5 के लिए टीचर्स भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 1 से 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th के साथ DLED या CTET या STET या फिर TET पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आप क्लास 9 और 10, जिसे आमतौर पर हाई स्कूल कहा जाता है, अगर उसमें शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd और CTET या STET पास होना कंपलसरी है, जबकि अगर आप 11th 12th का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd, STET या CTET पास होना कंपलसरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, BPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपने 31 अगस्त 2023 तक भी BEd या DLED पास कर लिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट को CTET या STET या फिर TET पास होना कंपलसरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर पढ़ लें। दोस्तों, अगर आप BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसके बुक के बारे में जानना है तो आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सलेंस की बुक ले सकते हैं। फर्स्ट बुक की बात करें तो आप BPSC TRE बुक ले सकते हैं। ये बुक BPSC शिक्षक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात यह है कि यह बुक 30 मई को BPSC द्वारा घोषित लेटेस्ट फॉर्मेट एवं SCERT के सिलेबस पर बेस्ड है। दोस्तों, ये बुक क्लास 1 से 5 भर्ती परीक्षा के लिए है, साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्क बुक है। इस बुक में प्राथमिक गणित से मानसिक क्षमता परीक्षण, तो सामान्य जागरूकता से सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भूगोल और पर्यावरण दिया हुआ है। एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे और एग्जाम का टाइम होगा 2 घंटे का। इसके बाद दूसरी बुक की बात करें तो ये बुक भाषा की है, मतलब लैंग्वेज की है। बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है।
दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाग एक में इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे और भाग दो में हिंदी भाषा से 75 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे। एग्जाम में आपको टोटल टाइम मिलता है 2 घंटे का। ये बुक आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या चाहिए। दोस्तों जहां तक इस टीचर भर्ती में एज लिमिट की बात करें तो इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। जैसे अगर आप प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए एज लिमिट 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए, जबकि फीमेल के लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष तय की गई है। दोस्तों ये एज लिमिट सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तय की गई है, यानी कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष तय की गई है। जबकि दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों चाहे मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके लिए एज लिमिट 18 साल से लेकर 42 साल तय की गई है। साथ ही दोस्तों यहां एक बात और नोट करने वाली है कि इसमें रिटायरमेंट की एज भी बताई गई है, यानी कि नोटिफिकेशन के हिसाब से 60 वर्ष तय की गई है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों इसमें सबसे अहम है इसका एग्जाम पैटर्न, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रिटन एग्जाम ही देना होगा। इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए नहीं है, यानी कि अगर आपने रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा लिए तो फिर आपका टीचर बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसमें कुल 2 पेपर होंगे जिसे पेपर 1 और पेपर 2 कहा गया है, लेकिन दोस्तों इसमें भी कई कैटेगरी हैं जो कि आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे अगर सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें सेक्शन 1 में इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे जो कि कॉमन है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट हो इंग्लिश सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी होगा। जबकि अगर सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आप अपनी पसंद से अलग अलग लैंग्वेज चुन सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ लैंग्वेज का ही ऑप्शन दिया गया है जिनमें से एक लैंग्वेज को आपको चुनना है, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यानी कि सेक्शन 2 में आपको इनमें से किसी एक लैंग्वेज को चुनना होगा और जिस भी लैंग्वेज को आप चुनेंगे उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपसे अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन रिवॉल्यूशन, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। दोस्तों यहाँ अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का डर आपको एग्जाम देते वक्त बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं किस पेपर में कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के होंगे। जैसे अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें कुल 2 भाग में एग्जाम होगा जिसमें सेक्शन 1 से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जबकि सेक्शन 2 से आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पेपर 1 में क्वेश्चन की संख्या 100 होगी जिसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। वहीं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि पेपर 1 का एग्जाम 100 नंबर का होगा जिसमें से पासिंग मार्क्स की बात करें तो दोनों सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाकर कम से कम 30 नंबर लाना होगा। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें भी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि पेपर 2 120 नंबर का होगा। दोस्तों पेपर 2 के लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसे MCQ कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बाद अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों जहाँ तक सिलेबस की बात है इसमें आपसे अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पेपर 1 में आपसे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही आपसे लैंग्वेज में जो आपने सेलेक्ट किया है जैसे हिंदी, उर्दू या बांग्ला, फिर उसी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन रिवॉल्यूशन, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन तमाम सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी से इन सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी बहुत कम ही निकलती है, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो फिर आपका टीचर बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। इसके बाद जानते हैं कट ऑफ कितना रह सकता है। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, क्योंकि इससे उन्हें तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है, लेकिन आप कट ऑफ मार्क्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आती है तो कट ऑफ से ज़्यादा मेरिट लिस्ट को देखा जाता है और उसी के हिसाब पर सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स 40% रखा गया है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 36.5% कट ऑफ मार्क्स है, जबकि ईबीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए
लिए 34% कट ऑफ मार्क्स है। दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं के लिए कट ऑफ मार्क्स 32% रखा गया है। बाकी मेरिट लिस्ट तैयार करने के कई और भी नियम हैं जिसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। इसके बाद जानते हैं रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों एग्जाम खत्म होने के बाद कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा इंतजार होता है रिजल्ट का। तो दोस्तों इसमें रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा लंबा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगस्त में एग्जाम खत्म होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स के पेपर चेक करने और मेरिट लिस्ट तैयार करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। इसके लिए रिजल्ट के लिए आपको दिसंबर तक इंतजार करना होगा, यानी कि इसका रिजल्ट भी दिसंबर में आएगा। तो अगर आपने एग्जाम अच्छा दिया तो आपका शिक्षक बनना तय है। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी होगी। दोस्तों सैलरी किसी भी नौकरी का सबसे अहम हिस्सा होता है और होना भी चाहिए क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि वो जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें उनको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनते हैं तो आपको 25,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसके साथ ही आपको कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे। वहीं अगर आप क्लास 9th और 10th की बात करें जिसे माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है तो इसमें आपका मूल वेतन 31,000 रुपये होगा। इसके अलावा इसमें भी आपके नियम अनुसार भत्ते मिलेंगे। वहीं अगर क्लास 11th और 12th की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन इसके लिए होता है तो आपका मूल वेतन 32,000 रुपये होगा। इसके साथ ही आपको तय नियमों के अनुसार अन्य भत्ते मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।